नमस्कार, आपसे भी कहा जो दीक्षा स्थान में हार देकर बदन है, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। प्रत्येक देश की जो सेनाएं होती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए निरंतर अभ्यास करती हैं, जिससे उनके सैनिक हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहें और उनकी फिटनेस हमेशा बनी रहे। लेकिन ये युद्ध अभ्यास जो होते हैं वो परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमें एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के विषय में जो हमारे देश की सेनाओं और विभिन्न सेनाओं के बीच होते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के विषय में। यह आपके वनडे परीक्षा साथ साथ बिहार राज्य की जो परीक्षा है उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए हम देखते हैं। पहला है अल मोहम्मद अल हिंदी। यह आपका सऊदी अरब जो है कि और इंडिया मिलकर के सैन्य अभ्यास करते हैं। ये एक नौसेना का अभ्यास है और ये आपका सऊदी में ही हुआ था और 2023 में ही अभ्यास आपका हुआ था। इसके अलावा आइए हम देखते हैं कोप इंडिया और तर्कस संगम युद्धाभ्यास टाइगर ड्रम। ये जो आपके अभ्यास हैं ये सभी आपके भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। कोप इंडिया ये आपका एयरफोर्स का है, अभी आकर 2023 में हुआ है। तर्कस अभ्यास ये आपका चेन्नई में हुआ था, ये आपका वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। संगम अभ्यास आपका नौसेना का अभ्यास है और युद्ध अभ्यास ये थलसेना का है। टाइगर ट्रम्प ये भी आपका थलसेना का है। ये सभी अभ्यास आपके भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारे अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं वो अभ्यास वरुण सैन्य अभ्यास आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। फ्रांसिस अभ्यास ये केरल 2023 में हुआ था, केरल में हुआ था, ये भी आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। इसके अलावा जो आपका गरुण सैन्य अभ्यास है वो भी आपका भारत और फ्रांस के बीच में होता है और ये एक वायुसेना का अभ्यास है। आगे हम देखते हैं श्रीलंका, चूंकि हमारा पड़ोसी देश है, जो आपके पड़ोसी देश होते हैं उसके संबंध जो भी आपके सैन्य अभ्यास होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अक्सर सीमा विवाद हमें अपने पड़ोसी देश के साथ ही देखने को मिलता है, जैसे कि भारत और चीन के साथ पड़ोसी विवाद होता है और आपका जो भारत और आपका पाकिस्तान है उसके साथ अक्सर हमेशा सीमा विवाद देखने को मिलता है। बाकी दूर दूर जो है कि सीमा विवाद देखने को बहुत कम मिलते हैं या अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं। तो सिलेक्स जो आपका है वो आपका श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है, यह आपका 2023 में कोलंबो में हुआ था। इसके अलावा सिन्धु मैत्री या आपका जापान और इंडिया के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। सिन्धु मैत्री वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन ये भी आपका इंडिया और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। और आपका GMASSI ये भी आपका भारत और जापान के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। आइए हम देखते हैं सूर्यकिरण। सूर्यकिरण आपका भारत और नेपाल के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है। आगे हम बात करते हैं आपकी नसीम अल बहर की। नसीम अल बहर आपका भारत और ओमान के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है। अगर हम बात करें सिम्बैक्स की तो ये सिंगापुर और इंडिया के बीच होने वाला आप सैन्य अभ्यास है सिम्बैक्स। मालाबार की हम बात करें तो मालाबार एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें क्वाड देश हिस्सा लेते हैं। चार देश जिसको क्वाड देश हम कहते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया ये देश आपके क्वाड देश कहे जाते हैं। इन चारों का संयुक्त रूप आपका क्वाड देश है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। ये सभी जो चार देश हैं जिसको क्वाड देश कहते हैं या फिर महाभारत लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। अक्सर जो कि एग्जाम में अटेंड होता है कि क्वाड देश किसमें कहते हैं या उनमें से कौन क्वाड देश नहीं है या इनके मध्य कौन सी लड़ाई होती है। आगे हम बात करते हैं काजिंद की। तो काजिंद आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है काजिंद अभ्यास। आगे हम बात करते हैं इक्यूवीरन की। तो इक्यूवीरन आपका मालदीव और इंडिया के बीच में होता है और ये आपका उत्तराखंड में अभी 2023 में हुआ था, ये थलसेना का अभ्यास है। इक्यूवीरन आपका मालदीव और इंडिया के बीच में हुआ था, ये आपका उत्तराखंड में 2023 में हुआ था और ये थलसेना का सैन्य अभ्यास है। इस तरह से आपको ये महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है जो कि अक्सर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर एग्जाम में ट्रेंड हुआ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। ये रहे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। थैंक यू।